चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दोस्तों, खबर नालासोपारा से। नालासोपारा में एक बार फिर एक इमारत बनी हादसे का शिकार। बता दें, 1 तारीख मध्य रात्रि में रात को 1 बजे के करीब नालासोपारा के संखेश्वर क्षेत्र से 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। ये तो गनीमत रही कि बिल्डिंग के ढहने के पहले ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग बाहर निकल चुके थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन 5 परिवार, ऐसा बताया जाता है कि 5 परिवार उस बिल्डिंग में रहते थे, उन 5 परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया। परिवार अपनी आप बीती रो रोकर मीडिया के सामने सुनाते हुए दिखाई दिए। उसमें परिवारों ने कई आरोप भी लगाए, प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए और बिल्डर के ऊपर भी आरोप लगाए। हादसे होते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के लिए ताज्जुब की बात यह है कि बिल्डिंग कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 10 साल। तो अब क्या किसी एक बिल्डिंग की मुद्दत 10 साल भी नहीं है? यह एक सवाल सबसे बड़ा है। किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, किस प्रकार की गुणवत्ता का काम होता है वसई विरार अंतर्गत, यह इस बिल्डिंग के गिरने के बाद में अपने आप एक बड़ा सवाल या निशान हो गया है। वहीं खबरों में दूसरी खबर देखिए, विरार के फूलपाड़ा की, जहां पे एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने गए एक व्यक्ति के साथ बंदूक की नोक पर लूट गई। इन दो खबर के बाद बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। तो अगली एक अहम खबर है वसई विरार और मीरा भाईंदर की। वसई विरार का पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस महकमा, वो अब तक पालघर जिला अंतर्गत था, और मीरा भाईंदर का पुलिस महकमा ठाणे ग्रामीण के अंतर्गत था, जिनको अब नए जो आदेश जारी किए गए उसके हिसाब से उसमें बदलाव किया गया और ठाणे भाईंदर, मीरा भाईंदर और वसई विरार को मिलाकर एक कमिश्नरेट का नया एलोकेशन हुआ है। अब नए कमिश्नर मीरा भाईंदर और वसई विरार के अंतर्गत बैठने वाले हैं, जिन पे भी पोस्टिंग सदानंद दाते, वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर है, उनका इस पद के लिए अभी पोस्टिंग हुआ है। अब से इसके बाद से जो विरार तक का क्षेत्र है वो पालघर से अलग हो जाएगा, पालघर जिला पुलिस का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, और ये वसई विरार, मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट के अंदर आएगा, इस तरह की संरचना होगी। बढ़ते एक और खबर की तरफ, तो एक और खबर यह है कि पालघर जिला कलेक्टर, पूर्व जिला कलेक्टर कैलाश शिंदे का ट्रांसफर हो गया है और उनकी जगह एमजी गुरसल नए कलेक्टर ने चार्ज ले लिया है। तो आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से, बने रहिए सेफ न्यूज लाइव के साथ, देखिए खबरों को विस्तार से। अच्छी एवं सस्ती दरों पर कंप्यूटर व लैपटॉप खरीदने, रिपेयरिंग करवाने हेतु मोबाइल नंबर 9920552110 पर हक आईटी सॉल्यूशन से संपर्क करें। क्या था ना, ये जो बिल्डिंग गिरी इसका एक ही मुद्दा था कि जो अभी पिलर था, ये हमारा जो नोटिस मारा था, एक ही पिलर गया, बकिया सब पिलर नहीं गया। हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था कि बिल्डिंग पड़ गया, लेकिन कल ऐसा हो गया कि एक दुकानदार वाले ने ताला खोला, ताला खोलने के बाद करीब 12-12 बजे उसने ताला खोला, उसके बाद जो ठक ठुक किया ना, उसी के वजह से जो है बिल्डिंग का जो बाजू वाला रूम था उसका जमीन धसना चालू हो। जब वो धसना चालू हो गया तो मैं करीब 7:30 बजे जो दुकान वाली थी वो मेरे घर पे पहुंची, मेरी सीमा को बुलाया, सिक्रेटरी जो हमारे, कि मैडम ऐसा ऐसा ये चीज़ हो रहा है, अपन चलो देखते। तो मैं सीधा इनके साथ आया नीचे, नीचे देखा तो जो उनका बाहर का पिलर था वो एकदम बाहर हो चुका है, और इधर जो सीढ़ी के पास जो पिलर है वो जो चिटका नहीं था उधर से मिट्टी भुर भुर करके थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिर रही थी। तो मैंने क्या काम किया, कुछ नहीं लिया डिसीजन, मैं चला गया चुपचाप घर के, घर पे गया, नहाया और खाना खाया, पूजा, उसके बाद मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ।
मैं वहाँ से टावर लगा के सीधा नीचे नीचे आया तो मेरा मेरा ही घर का सदस्य मतलब इनका ही रूम है, उन्होंने अपनी लड़की को दूसरे के यहाँ छोड़ के, तो मेरे को बोले कि तिवारी जी मैं मेरी लड़की को वहाँ छोड़ दिया है और अभी 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 मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं उनको बोला देख भाई जब तक ये बिल्डिंग का मिट्टी गिर रहा है तब तक इसमें रहने लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने सबको बोला सामान कोई मत निकालो, क्योंकि सबको धोखाधड़ी है, अगर सामान के चक्कर में चलेंगे तो कोई में कोई इसमें दब जाएगा। तो वो चीज़ करके मैंने सबको बटोर के जो सोया बेटा उनको बिताया और सबको बाहर निकाला। बाहर निकाल के मैं करीब करीब 1 बजे तक यहाँ था। 1 बजे के बाद मेरा भाई आया, मेरे को बोला अभी इधर करवा के कुछ मतलब नहीं है, और मेरे को तो कन्फर्म था कि बिल्डिंग गिरेगी। 2009 साली बांधली ही बिल्डिंग मारली, आणि ह्याच्या आधी आमची ही बिल्डिंग लीगल होती। आम्ही लीगल पद्धतीने 1-20 फ्लॅट G+3 राहत होतो। त्या बिल्डिंगला आम्ही बोललो चला नवीन आपण देऊया करायला, म्हणून आम्ही ती अभय नाईकला दिली करायला। 3 वर्षात त्यांनी आम्हाला दिलं पण पजेशन नाही दिलं, तिथेही त्याची त्यांनी आमची फसवणूकच केली, सगळीकडे फसवणूक। आम्ही पाण्याला सुद्धा पैसे मोजले, लाइटीला सुद्धा, सगळ्याला पैसे मोजले आम्ही येते 9 वर्षात। इतका पैसा आमचा गेला आहे ना की सांगू नका, सगळीकडनं असं गांजलो आहे आम्ही अगदी। आणि त्यात ही आता अवस्था आमची अशी झाली, आम्ही आत्ताही आम्ही ऑडिटर आणलेला आहे तर त्याला दुकानवाल्यांनी आड आले, दुकानवाल्यांनी आम्हाला ऑडिट करायला अडचण दिली, त्यामुळे ते पण काम रखडलं। म्हणजे कुठेच आम्ही धावू नव्हतो शकत प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला त्यांनी अडवलं की हे नाही म्हणजे काही तर काय, तर दुकानवाल्यांना आम्ही कितींदा सांगतो। आता तुम्ही ह्या घटनेला जबाबदार कोणाला मागताय? आज तुमची अवस्था काय या? आज आमची अवस्था म्हणजे आम्ही पूर्ण बेघर आहोत, आमच्या अंगांविषयी कपड्यावरच आहोत। आमच्याकडे तर ना पैसा आहे, कपडा आहे, ना घर आहे, काहीही नाही। आम्ही आज भिकाऱ्यासारखं बाहेर आहोत, आमचं स्वतःच घर असताना। काय तुमची मागणी आहे, काय व्हायला पाहिजे? आम्हाला आमचं घर पाहिजे, आम्हाला आमचं स्वतःला आत्ता राहायला घर पाहिजे। आत्ता आम्ही कोणाच्या घरी राहणार सांगा? आम्हाला या क्षणाला पाची फॅमिलीना घर पाहिजे राहायला, ते तुम्ही देऊ शकता का? संसार कर, आमचा अख्खा संसार त्यात गेला, आता कधी येणार आहे तो? बाहेर येऊ शकणार आहे का? आम्हाला असं माहीत नव्हतं एवढं कोसळेल असं। आम्ही बोललो पिलर आहे नंतर होईल रिपेअर, म्हणून आम्ही 5 जण तेवढं राहिलेलो। महानगरपालिकेने दिली नोटीस होती पण पिलरसाठी दिली होती, म्हणून आम्ही आपल्याला राहिलो की चला राहतोय। आम्हाला असं तेवढंच माहिती, तेवढी कोसळ सांगा, आमचा जीव आम्हाला प्रिय नाही आहे का? हां, आमची एवढी फसवणूक केली, आम्हाला आमची नुकसान भरपाई पाहिजे। क्या नाम है आपका? राजेश वैश्य। राजेश जी क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली सैटरडे का दिन था, 29 अगस्त, लाइक तो हम लोग यहाँ पे आए थे 11:02 में एटीएम में डिपॉजिट करने के लिए, बिकॉज अगले दिन ईएमआई कटने वाला था। कितने बजे? रात को या दिन को? रात में 11 बजे। रात को 11 बजे आप यहाँ पे आए थे? कौन कौन थे आप? मैं और मेरा फ्रेंड आया था। अच्छा। हम लोग साथ में आए थे, जैसे खाना खाए फिर हम लोग जाके डिपॉजिट कर दे कैश। जैसे यहाँ पे आया कैश डिपॉजिट किया हम लोग ने, वैसे तो लाइक कैश डिपॉजिट करने बाद जो आवाज़ आती है लाइक कि हाँ डिपॉजिट हो रहा है, और सेम जैसे विड्रॉल की भी आती है। हाँ। तो लाइक पीछे सडनली एक बंदा आया जो अपने आपको पूरा प्रोटेक्ट किया था, कीपर के साथ था। हाँ। फुल प्रोटेक्ट था, उसका सिर्फ आँख दिख रही और कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ। वो सडनली वो आके गन रख दिया गेट पे आकर के, और बोलने लगा जो पैसा तुम लोग ने डाला है वो फट से निकालो। तो हमने बोला कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमने डिपॉजिट कर दिया। तो बोला एटीएम से निकालो, अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं ठोक दूंगा, ऐसा वर्ड यूज़ करके वो कर रहा था। अच्छा। तो फिर हम लोग दोनों लाइक सडनली ब्लाइंड हो गए और डर गए हम लोग कि अभी सामने वाला बंदा अगर गन रख दिया तो हम लोग क्या कर सकते उसमें। तो जैसे बोला फिर उसने मेरे जेब में हाथ डाला, मेरे जेब में मोबाइल भी था, इवन मेरे दोस्त के जेब में मोबाइल था। तो उसने क्या किया कि जेब में डाला पैसे थे मेरे पास 700 रुपये कैश, उसने वो ले लिया। उसके बाद फिर सेकेंड थिंग उसने मोबाइल में हाथ डाला, फिर मेरे पास मोबाइल तो उसने लिया नहीं, मोबाइल निकाल के छोड़ दिया उसने। सेम दोस्त का भी उसने चेक किया, उसका कैश तो नहीं था, उसका मोबाइल निकाला छोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या किया, 2 उंगली से ऐसे करके मेरा चैन उसने खींच लिया। तो मैं थोड़ा मतलब उसको चिल्लाने की कोशिश किया, तो उसने मुझे क्या चिल्लाया तो मैं थोकूंगा सोचूंगा नहीं करके, ऐसा उसके हाथ में गन था, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर निशाना किया था। तो जब ये मेरा फ्रेंड एक स्टेप आ गया तो उसको पता पीछे हो वरना तुझे भी ठोक दूंगा। आपका फ्रेंड आपके साथ अंदर था बाहर था? अंदर था दोनों। अच्छा। जो टाइम बारिश हो रही थी तो फिर मतलब बाहर बारिश हो रही थी तो वो हिसाब से अंदर, और सिक्योरिटी गार्ड भी जाते तो अंदर बैठा हुआ था। तो हमने उसको बोला भी कि आज काम पर ऐसा सीन हो गया आप कुछ करो, तो वो बंदा भी एक्चुअली डर गया था क्योंकि वो काफी आई थिंक 50 के ऊपर एज का था, वो कुछ नहीं कर सकता था मेरे हिसाब से। सिक्योरिटी गार्ड काफी मतलब सीनियर सिटीजन बंदा था वो, वैसा कर। ये जो सारी जो घटना घटित हुई थी ये एटीएम काउंटर के अंदर हुई थी? अंदर पूरा, हम लोग सब अंदर ही थे। अच्छा। उसके बाद आपने क्या किया?
उसके बाद भी देख डायरेक्ट हम जैसे वो बाहर आया उसने क्या बोला, अगर चिल्लाया तो मैं ठोक दूंगा, गाड़ी गाड़ी ठोक दूंगा, ऐसा वर्ड यूज कर रहा था। ओके, बाहर आया तो फिर वो बंदा डोमिनर गाड़ी लिया था जो बजाज की है। अच्छा, उसने तुरंत जैसे बैठा की फट से भागा, मतलब चुटकी भर में। किस कलर की बाइक थी उसकी? वो एक्चुअली रेड कलर की थी। रेड कलर, किस तरह भागा था वो? ऐसा स्नेहांजलि के साइड लेकिन मंदिर पड़ा जो रूट पड़ता था। उसका डील डॉल कैसा था, कैसे कपड़े पहने हुए थे? वो एक प्रोफेशनल जो एक स्पोर्ट्स बाइक जो बाइक रेसर होते वैसे टाइप का था, जीपर पहना हुआ था। अच्छा, शूज था और उसके बाद उसने जीपर डाल करके ऊपर, अभी एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं कि हेलमेट पहना था लेकिन उसने उडिस का एक टोपी पहना हुआ था। वह अकेला था, उसके साथ कोई और भी थे? हाँ, फिलहाल तो अकेला था, अभी जब तक वो भागा अकेला भागा, उसके बाद पता नहीं वो साथ में था कि क्या था। ठीक है, फिर आप पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट दर्ज करवाने? मैंने फिर पुलिस स्टेशन गया, इवन पुलिस वाले ने भी वहाँ पे मतलब सपोर्ट किया, जैसे मेरी बात सुना मैंने बोला इमरजेंसी सर है, गन रख करके मेरा सैंग लोग ने ले लिया है बंदे लोग ने, तो उन्होंने फट से मतलब दो गाड़ी निकाला, यहाँ पे आए मतलब स्पॉट पे आए, जो हुआ करके पूछा करके। अच्छा, ये हुआ करके तो उन्होंने बोला ठीक है हम FIR लिख रहे करके, जो भी कार्रवाई होगा हम लोग एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।